ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय के बाद बस्तर संभाग के सभी बच्चे को 7 दिन पहले कोटा राजस्थान से छत्तीसगढ़ लाया गया था और सभी छात्रों को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में क्वारंटीन में रखा गया था। इसके बाद बस्तर संभाग के सभी छात्रों को वापस जगदलपुर लाने के लिए जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन के विशेष पहल पर शासन के आदेश अनुसार देर रात जगदलपुर लाया गया। जगदलपुर पहुंचने के बाद सभी छात्रों को जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में रखा गया। गौरतलब है कि वीर सावरकर भवन में पहले से ही शासन प्रशासन बच्चों की सावधानी एवं कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया था। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वीर सावरकर भवन में मौजूद थी। राजस्थान के कोटा से आए सभी छात्रों के परिवार भी वीर सावरकर भवन में मौजूद थे, जिसे देखकर शासन प्रशासन के द्वारा सभी बच्चों को अपने अपने परिवार को जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन एवं जगदलपुर SDM JR मरकाम एवं शासन के सभी आला अधिकारियों के नेतृत्व में बच्चों को सौंपा गया। साथ ही साथ सभी छात्रों के परिवार को हिदायत देते हुए छात्रों को 7 दिन होम आइसोलेट में रखने के निर्देश दिए गए। प्राइम न्यूज 24 के लिए छत्तीसगढ़ जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। सभी बच्चों की सूची बनाकर हमने सरकार को भेजा था, मुख्यमंत्री जी को, और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये सराहनीय प्रयास था कि गार्जियन जिस तरीके से परेशान हो रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे, उनको लाने के लिए सरकार ने पहल की। और आज सुखद क्षण है कि जो बच्चे कोटा से आकर क्वारंटाइन में 7 दिन कांकेर में रहे, आज अपने माता पिता के सामने आ गए हैं। आज इनके परिवार के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। इसके लिए मैं जगदलपुर विधायक के हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये जो बच्चे आए हैं, इनके गार्जियन, इनको इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ हुई हो, असुविधा हुई हो, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं क्षमा याचना भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ इनसे, जो सहयोग आप लोगों ने दिया है इस पूरे पीरियड में, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ से जाने के बाद अपने घर में 14 दिन क्वारंटाइन का जो नियम है उसका पालन करें, ताकि इस कोरोना महामारी से हम बच सकें। ये आपको भी पता होगा कि 72 बच्चों को यहाँ पर लाया गया है, और लाने के पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सफाई, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों ने गोले वगैरह लगाए हैं, और पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था भी है। और उनसे हम लोग शपथ पत्र ले रहे हैं, पेरेंट्स से भी ले रहे हैं और संबंधित स्टूडेंट से भी ले रहे हैं। उसमें 14 दिन तक उनको होम क्वारंटाइन पर रहना पड़ेगा, और इसके पहले कांकेर में भी 7 दिवस क्वारंटाइन पर रखा गया था। सर, कुछ बच्चे सुकमा के भी थे, वो जो बच्चे थे सुकमा के, उनको सीधे दंतेवाड़ा, जो अलग से बस है उसमें अलग से भेजा गया है, और जो बस्तर के जो बच्चे थे उनको यहाँ पर ड्रॉप किया गया।